सुबह सुबह ब्राउनी मुझे उठा रही है ऐसे। ब्राउनी क्या हुआ, क्या चाहिए? सोने नहीं देना है किसी को। कुतुश कुतुश चाबी। কি করছে সব? হ্যাঁ গুড মর্নিং গাইজ, সুবহ সুবহ উঠা দিয়া হ্যায় ব্রাউনি নে, তো সোচা ব্লগ ইহি সে স্টার্ট করতে হ্যায়। कौस्तुभ चला गया है सुबह सुबह अपने काम से, तो अभी मैं करूँगी ब्रश और फ्रेश होंगी और इस ब्लॉग को करते हैं स्टार्ट। आई होप हमारा ये ब्लॉग आपको बहुत 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 अच्छा लगेगा। अभी थोड़ा लेजी है, जस्ट उठे हैं और इसको देख लो, मुझे उठा के खुद सो रही है। समझते क्या होते हैं आपको, समझते क्या होते हैं? ओ तुम अभी तक नहा नहीं हो? नहीं। तो अभी कौस्तव नहा के आएगा, फिर हम लोग कर सकेंगे लंच। और लंच में है आज कढ़ी चावल, ये है फ्राइड राइस जो मैं बनाई हूँ, और ये पकौड़े, और ये है कढ़ी। आज के फ्राइड राइस हमें बनिए ওটাকে বয়েল করে চালটাকে, তারপর ওটাকে তো ये है हमारा लंच, कढ़ी चावल और पकौड़े। कढ़ी के साथ पकौड़े मस्त है, इसीलिए तो कुछ देखते देखते खाएंगे। गुड इवनिंग गाइस, तो कौस्तव तो चला गया है और मैं अभी पी रही हूँ चाय। शाम को चाय ना पियो तो फिर मज़ा नहीं आता है। और आज थर्सडे है तो आज रात को डिनर क्या करेंगे वो भी एक डाउट है, वो मैं सोच रही हूँ कि क्या बनाया जाए या क्या। मंगवाया तो नहीं, कल ही खाए थे बाहर का, तो देखते हैं क्या बनाते हैं। फिलहाल मैं करती हूँ लास्ट जो भी काम बचा है, फिर ऑफिस ख़त्म करके फिर आप लोग के साथ आराम से बात करेंगे। तो हो गया है फाइनली मेरा काम ख़त्म और मैं जा रही हूँ अभी बाहर, थोड़ा कुछ खरीद के लाती हूँ। एडी का बिस्किट्स भी ख़त्म है और उसका पेडिग्री, साथ में हम लोग डिनर में क्या करेंगे उसके लिए भी कुछ ग्रॉसरीज ख़रीदना है। तो चलते हैं मोर और चला जाए। मेरा पहले लेती हूँ वॉलेट। समटाइम्स आई वंडर आप लोग को हमारे ब्लॉग्स देखना पसंद है, मतलब हमारी लाइफ पसंद होगा, अगर नहीं भी होता होगा तो भी देखना पड़ेगा। तो चलिए निकलते हैं फिर। घर हो गया है धुआं धुआं, जा रही मैं बाय। सोच रही हूँ तो आ गई हूँ घर पे वापस और अभी देखूंगी कौन सा पनीर का रेसिपी बनाया जाए, लिटिल हेल्दी और अच्छा और जो खाने में भी टेस्टी हो। तो यूट्यूब पे देखती हूँ तब तक। तो इतना सोचने के बाद, डिस्कशन के बाद कौस्तुभ बोल रहा है कि वो आलू पनीर बनाएगा जो वो ड्राई वाला बनाता है बस जीरा डाल के, वो वाला। तो ठीक है, मैंने बोला चलो सही है, फिर तो मेरी छुट्टी और वो आएगा और फिर बनाएगा। तब तक मैंने उसके लिए सब रेडी कर दिया है जैसे मैं हमेशा करती हूँ, पनीर आलू वगैरह सब कुछ अरेंज कर दिया है। वो आएगा और झटपट से बना लेगा, फिर हम लोग रोटी के साथ वो खाएंगे। और आज घर जाने का प्लान है क्योंकि बारिश कम हो गया है, कल तो हमारा इन्विटेशन था और ऊपर से बारिश भी हो रहा था तो हम घर नहीं जा पाए थे। तो आज फिलहाल हमें घर जाना है, फिर कल आएंगे। और तो चलिए आपको फिर डिनर का टाइम पे ब्लॉग दिखाएंगे कि कैसे क्या सब्जी बन रही है। वैसे वो सब्जी आपने बहुत बार देखी होगी। तो अभी तो फिलहाल सब कोई बिजी है अपने अपने कामों में और मेरी मम्मी जा रही है दार्जिलिंग और मतलब अपने फ्रेंड्स के साथ। तो चलो सही है, अच्छा है, हम लोग को जैसे घूमना पसंद है मम्मी को भी घूमना पसंद है, तो वैसे जा रही है घूमने तो मुझे तो अच्छा ही लग रहा है। तो ठीक है, वैसे दार्जिलिंग में बहुत ठंड है और दार्जिलिंग मुझे बहुत पसंद है, चाहे मैं 100 टाइम भी चली जाऊँ ना तो भी मुझे वो जगह बहुत पसंद है। इट्स लाइक मतलब होम,
कि मैं और कौस्तुभ तो ऐसे प्लान भी बनाया कि हम लोग जब ऐसे थोड़े मतलब ओल्ड हो जाएंगे फिर हम लोग दार्जिलिंग में घर लेके ऐसे रहेंगे, वहां पे समर्स वहां पे बिताएंगे, फिर विंटर्स में कोलकाता आ जाएंगे। तो ऐसा कुछ हम लोगों ने प्लान किया हुआ है, लेट्स सी क्या होता है। तो ये कर लिया है आलू, ये है पनीर, अभी हम लोग करने वाले हैं डिनर। 9:15 हो गया है, काफी भूख भी लगा है। सब्जी भी तैयार हो गई है, ये है पनीर, दोपहर का राइस बचा था थोड़ा बोला तो उसको खाएंगे कड़ी के साथ। सब कुछ इतना ज्यादा गर्म है, कड़ी तो एकदम ही गर्म हो गए। हाथ भी नहीं लगा सकते। और इधर ब्राउनी डिस्टर्ब कर रही है। रोटी लानी है? ना। नहीं। बस थोड़ी ही लाई मेरे चार पांच मनी भी ने चार लगती है टेंटेंट तोड़नी तो गाइज आ गए हैं हम लोग घर पे वापस। और इतना ठंडा ठंडा वेदर है, मतलब हम लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि इतना कम टेम्परेचर अब फिर से कैसे हो गया एंड ऑफ मार्च। तो बट अच्छा ही लग रहा है क्योंकि अप्रैल में से तो फिर गर्मी तो सहनी पड़ेगी, तब तो और ठंड तो होगी नहीं। तो अभी जो भी है तो उसको एंजॉय कर लेते हैं और इस ब्लॉग को भी करते हैं यहीं पे एंड। आई होप हमारा ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो डू शेयर लाइक सब्सक्राइब और खूब सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गुड नाइट, बाय।